शाओमी कंपनी का अपकमिंग स्मार्टफोन शाओमी रेडमी नोट 8 जो है काफी कमाल के फीचर्स के साथ में आने वाला है। शाओमी का रेडमी नोट 8 एक प्रीमियम एडिशन स्मार्टफोन होगा। जो शाओमी रेडमी नोट 8 में बैक साइड में 4 लेंस कैमरा देखने को मिलेगा। जो खास बात आप लोगों को शाओमी रेडमी नोट 8 में ही सिर्फ और सिर्फ देखने को मिलेगा, 5G नेटवर्क शाओमी का पहला डिवाइस होगा जो रेडमी नोट 8 में दिया जाएगा। और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 99.9 स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलेगा। कहीं पे भी ब्लेजर सी नहीं मिलेंगे स्मार्टफोन में देखने को। और एक शाओमी का पहला डिवाइस होगा जो 5G नेटवर्क को सपोर्ट करेगा। और फ्रंट साइड में 4 कैमरास दिया जाएगी जो लगभग 21+21 मिले पिक्सल्स का 4 लेंस कैमरा वाला Xiaomi का एक खूबसूरत स्मार्टफोन आप लोग कह सकते हो। और यहां पर फ्रंट साइड में ड्यूअल स्क्रीन देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और स्मार्टफोन के बारे में क्या आप कह रहा है बिल्कुल फ्रीली कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। फ्रंट साइड में ड्यूअल स्क्रीन देखने को मिलेगा जो Xiaomi का प्रीमियम एडिशन डिवाइस होगा। और दोनों में भी ड्यूअल अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर Xiaomi में एक काफ़ी प्रीमियम एडिशन स्मार्टफोन आप लोग कह सकते हो देखने को मिलेगा। कॉलकम की लेटेस्ट चिपसेट इसमें यूज़ की जाएगी, यानी कि कॉलकम स्नैपड्रैगन 845 चिपसेट इसमें देखने को मिलेगा। इसकी प्राइस के मामले में जरूर पूछिए कमेंट में, जरूर आप लोगों को रिप्लाई दूंगा। और प्राइस अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए वो भी आप लोग बता दिए तो काफ़ी बेहतर रहेगा। और इसमें 4500 mAh की बैटरी पिकअप दी जाएगी जो लगभग फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, यानी कि फास्ट से फास्ट चार्जिंग आप लोग कह सकते हो। और ये वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। और इसमें जो है लगभग एक ही वेरियंट का स्मार्टफोन होगा जो 8GB रैम पर लॉन्च होगा। और इसकी इंटरनल स्टोरेज 2 इंटरनल स्टोरेज दी जाएगी, जिसमें इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगी एक 512GB और एक 256GB। आप लोग अलग से माइक्रो एसडी का लगाकर एक्सपांड कर सकते हो। गाइस ये थे कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग स्पेसिफिकेशंस और डिजाइन। उम्मीद करता हूँ मेरा कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलिए।